नेट पोजीशन क्या है कि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बेट लगाते हैं या चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो पूछते हैं कि आप कितना कमा लेते हो एग्जैक्टली। क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति जो खेलता है बैटिंग करता है या और गैम्बलिंग करता है वो पैसे कमाने के लिए ही करता है, तो ये जो क्वेश्चन होता है वो सबके मन में होता है। कि आप हमें बता रहे हो बेटवे खेलने के लिए तो आप बेटवे से कितना कमा लेते हो, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली मैं कितना कमा लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैंने एक बार पहले शो कर दिया था तो कुछ लोगों ने उसका क्या कि गलत पासवर्ड लगाने की कोशिश की इंटर करने के लिए, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं जिससे मेरा अकाउंट है वो लॉक हो गया था और उसको रीओपन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो ऐसी कोई भी मैं गलती नहीं करूँगा। तो आप बताओ कितना, मैं लगभग पर क्रिकेट मैच में बैट करता हूँ मैं, और पर क्रिकेट मैच का मेरा जो टारगेट होता है वो होता है 700 से 800 रुपये, बस इतना ही। मैं ना ज़्यादा करता हूँ ना बैट गैम्बलिंग कम करता हूँ, मैं 5,000 रुपये से खेलता हूँ टोटल पूरे मैच के अंदर, और ऐसा सोचता हूँ कि 700 से 800 रुपये तक रन करता हूँ। तो इस प्रकार से लगभग जैसे अपने 15 से 16 मैच मिल जाते हैं मेरे को, तो लगभग मेरी लगभग नेट वर्थ हो जाती है इसके अंदर 13,000 14,000 13,000 14,000 15,000, वैसे लगभग इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कोई व्यक्ति है वो हारता नहीं है, कोई व्यक्ति है वो हारता नहीं है, हर कोई हारता है गैम्बलिंग में, हर कोई जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति है वो लगातार विन कर रहा है या लगातार एक व्यक्ति है वो लूज़ कर रहा है। अगर आप लूज़ कर रहे हो तो विन भी करोगे, विन कर रहे हो तो ऐसा टाइम भी आएगा जब आप 2 या 3 बैट 1 रो में लगातार हार जाओगे। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेने का है और आराम से खेलना है। बस सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको कहीं पर ऐसा लगे कि मैं लगातार हार रहा हूँ या गैम्बलिंग, तो उसमें आपको अपना जो पैमाना है जैसे मेरा 4,000 से 5,000 रुपये पर मैच का फिक्स है, तो मैं उससे ऊपर नहीं जाता भले ही मैं कितना ही लूज़ करता हूँ। भले ही सामने अगर 50 ओवर में एक टीम 150 पर ऑल आउट होगी तो ऐसा नहीं होता कि मैं सामने वाली टीम पर पूरे ऐसे अकाउंट में 20,000 तो 20,000 ही लगा लेता हूँ, हम भी चलो 2,000 निकल जाएंगे। ऐसा आप कभी मत करना क्योंकि वो ट्रिकी पिच होगी एक प्रकार का, उसमें हो सकता है कि सामने वाली टीम है वो 120 पर ही ऑल आउट हो जाए, तो फिर आपका अकाउंट लगभग खाली हो गया ना, फिर तो 25,000 रुपये का नुकसान हो जाता है आपका। तो ऐसा मैं कुछ कभी गलती नहीं करना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए और मैं भी ऐसा गलती है वो नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं विड्रॉल की, विड्रॉल कैसे लेते हैं। विड्रॉल लेता हूँ मैं बैंक ट्रांसफ़र से लेता हूँ या लेता हूँ नेटलर से। आपको विड्रॉ के मैं स्क्रीनशॉट भी आपके सामने दिखा देता हूँ। और मैं विड्रॉ लेता हूँ हर 3 या 4 महीने में 1 या 2 बार, बस ज़्यादा नहीं लेता। 4 महीने में लगातार लूँगा 2 विड्रॉ फिर नहीं लूँगा, ऐसा लेता हूँ। ऐसा नहीं होता कि जैसे मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये आए मैं फटाफट से विड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स विड्रॉ के भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे जो फ़िलहाल जो मैंने लिए थे जुलाई के अंदर वो हैं, और उसके बाद मैंने अब तक कोई भी विड्रॉ नहीं लिया है। नेक्स्ट मैं विड्रॉ लूँगा अगस्त एंड एंड तक, उसके बाद जो ये T20 वर्ल्ड कप और IPL दोनों होने के बाद में एक विड्रॉ है वो लूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए।